सपा अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतनी झूठी सरकार पहले कभी नहीं आई होगी। सीएम अपने कामों को ही नहीं भाषण से भी सभी वर्गों का अपमान कर रहे हैं। जनता सब देख सुन रही है, वही इन्हें सजा देगी। वर्ष 2022 में भाजपा का सफाया तय है। बता दें कि अखिलेश यादव के समक्ष शनिवार को कांग्रेस, बसपा और भाजपा के कई नेताओं समेत सैकड़ों लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि सपा की कोशिश हर वर्ग को जोड़ने की है, जिस दिन सभी को जोड़ लेंगे प्रदेश में सरकार बनाने में कायम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूद सरकार से लोग निराश हैं। इस सरकार में लोगों को जितने अपमान का सामना करना पड़ा उतना पहले कभी नहीं हुआ। 4 साल में सरकार के पास बताने के लिए कोई अपना काम नहीं। मुख्यमंत्री यूपी के ही नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें विकास की बात करनी चाहिए, विकास से प्रदेश का भला होगा। विधान परिषद में सभापति के विवाद पर कहा कि भाजपा को संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, बहुमत का सम्मान करना चाहिए। वहीं राम मंदिर के लिए अपना यादव द्वारा 11 लाख चंदा दिए जाने पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ही नहीं हर धर्म में परंपराएं हैं कि दर्शन करने के बाद कुछ चढ़ाते हैं, हम भी दक्षिणा देंगे, क्या भाजपा स्वीकार करेगी? उन्होंने कहा भाजपा ने आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की पुरानी भाषा सभी जानते हैं, सदन के भीतर उनकी जो भाषा है, बाहर जो बोलते हैं वह किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। वे दूसरे के डीएनए को विभाजन वाला बताते हैं, लेकिन उन्हें डीएनए की फुल फॉर्म मालूम नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के कई तीखे बयानों का उल्लेख करते हुए उन पर पलटवार किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, वह जनता को धोखा दे रहे हैं, इससे बड़ा झूठा कोई और नहीं हो सकता कि धान के किसानों को MSP मिल गया है। भाजपा राज से पहले बिजली नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में सुपर 60 क्रिस्टिकल थर्मल पावर प्लांट लगे, ट्रांसमिशन लाइन बनी, सब स्टेशन बने। सपा सरकार में सर्वाधिक नई चीनी मिलें लगी, गन्ने की कीमत सपा सरकार में हमेशा बढ़ी। सपा सरकार ने बलात्कारी का मुकदमा वापस नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों से बड़े घरानों को लाभ मिलेगा, महंगाई की मार से गरीब बचाए क्या और खाए क्या।